हाई एवरी वन, आई एम सुश्री। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग सब, और आपका दिवाली प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मेरा एब्सोल्युटली चाइल्डहुड फेवरेट कुछ रेसिपीज़। जैसे मम्मी मेरे पास हैं तो मैं सोची दिस इज़ द बेस्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ मेरा चाइल्डहुड फेवरेट रेसिपी शेयर कर सकती हूँ। और बहुत सिंपल सा रेसिपीज़ है, डू ट्राई फॉर दिस दिवाली, और बहुत फट से बन जाएगा, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करेंगे सबसे फेवरेट चीज़ से, जो कि मेरा था कोकोनट बिस्किट। पूजा में बहुत ज़्यादा कोकोनट आते थे, तो कोकोनट से मम्मी बिस्किट बना लेती थी हम लोग के लिए। तो इसके लिए मम्मी क्या करती थी, एक ही सेम मेजरमेंट कप लेती थी। मैं ये बाउल ली हूँ, उसमें मैं ली हूँ फ्रोजन ग्रेटेड कोकोनट। मेरे पास फ्रेश नहीं था। द बेस्ट कि आप फ्रेश ही लीजिए अगर आपके पास मिल रहा है। उसमें हम लोग ऐड करेंगे शुगर उसी सेम मेजरमेंट में, और इसको हम लोग रख देंगे 20 to 30 मिनट्स तक। तो इससे क्या होता है, शुगर जो होता है कोकोनट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कप उसी मैदा ही ली हूँ मैं, और पफ्स फ्लावर और थोड़ा सा कार्डमम पाउडर मैं ऐड की हूँ। और इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे एक अच्छा सा डो बनाने के लिए। बट जैसे कि ये फ्रोजन कोकोनट था, तो उससे ना जो पानी आता है कोकोनट से वो नहीं आया, तो मम्मी क्या की उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किए हैं। अगर आप फ्रेश कोकोनट ले रहे हो तो आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हार्ड डो बनता है, तो अगर आपका कुछ लगा सॉफ्ट हो रहा है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पफ्स फ्लावर ऐड करके उसको मिक्स कर सकते हैं। और मम्मी बनाई ऐसे रोटी जैसे गोल गोल करके, और फिर एक मेजरमेंट लेके हम लोग गोल वाला बिस्किट जैसे बना रहे हैं, तो गोल से में उसको हम लोग कट कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब बनाइएगा इसको थोड़ा सा मोटा थिक ही रखिएगा, नहीं तो अगर पतला कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएगा, तो खाने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तब का बात है, मम्मी हमेशा डीप फ्राई ही करती थी, ओवन नहीं था, कुछ नहीं था। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप बेक करके भी देख सकते हैं कैसा हो रहा है। मैं कभी ट्राई नहीं की हूँ दो, और फ्राई करने से डीप फ्राई कोई भी चीज़ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट था, मैं हॉस्टल लेके जाती थी और काफ़ी दिन तक भी रहता है और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई दिस दिवाली। नेक्स्ट रेसिपी है अनदर फेवरेट, आरिसा पेठा, जो कि उड़ीसा फेमस है। दशहरा दिवाली तो ये बनता ही है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 cups ऑफ राइस लेंगे और इसको हम लोग सोक कर देंगे 6 to 7 आवर्स। बेटर टू यूज़ लाइक सोना मसूरी, जो कि अरुआ राइस होता है, जो पैराबॉइल्ड राइस होता है उससे अच्छा नहीं बनता है। और सोक करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको निकाल देंगे, एक जगह पर ऐसे ही फैला देंगे ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। पूरा ड्राई नहीं होना है, ऐसे ही हल्का सा ड्राई होना चाहिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट में। ऐसे ही ड्राई ग्राइंड करेंगे तो ड्राई पाउडर ही निकलेगा हम लोग का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और छान लेंगे। और ये जो स्टेप है लाइक मस्ट फॉलो, जो कि स्मूथ पीठा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए राइस जो है पूरा अच्छे से फाइन ये हो गया, आप जितना भी स्मूथ करवा सकते हैं उतना ही अच्छा है। और इसको बना सकते हैं आप पूरा गुड़ ले सकते हैं, नहीं तो शुगर लेस ले सकते हैं। मम्मी क्या करते हैं, हमेशा 1 cup गुड़ 1 cup ऑफ शुगर ऐड करते हैं। बहुत जगह पूरा गुड़ में बनता है तो भी अच्छा लगता है, मुझे शुगर में थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, आपके टेस्ट के ऊपर है। और अभी हम लोग शुगर और गुड़ को मिक्स कर लेंगे। और एक जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पानी थोड़ा सा हाफ कप मैं ली हूँ, उसको हम लोग गर्म करेंगे और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो शुगर और गुड़ है, उसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। और इसको हम लोग चलाते रहेंगे थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही कुछ टाइम तक, और इसको हम लोग बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए जैसे गुड़ पूरा अच्छे से मतलब कुक हो गया है, अच्छे से बॉयल हो रहा है, तो इसको हुआ कि नहीं उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे पानी लेंगे और थोड़ा सा गुड़ लाके हम लोग ड्रॉप करेंगे। अगर जो गुड़ है वो अच्छे से मतलब ऐसे राउंड होके मतलब गाढ़ा हो जा रहा है, दैट मीन्स कि आपका गुड़ रेडी है। और एक जगह पर हम लोग क्या करेंगे, मैं सेसमे सीड ली हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, ड्राई रोस्ट ही करेंगे, और इसको हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोग पीठा बनाने के लिए। और मम्मी ऐड की थोड़ा सा कार्डमम पाउडर।
अब क्या करेंगे, हम लोग का जो राइस फ्लावर है उसको हम लोग ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और ये बन जाएगा एक गाढ़ा सा अच्छा सा पेस्ट। और जो राइस फ्लावर जो होता है आप ऐसे सोक करके करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। जो स्टोर ब्रेड होता है जो राइस पाउडर उससे इतना अच्छा नहीं आता है। और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लेंगे हाथ में और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है, इसको हम लोग ऐसे गोल बनाएंगे हाथ में और ऑयल में छोड़ के इसको फ्राई कर देंगे। दैट्स इट। और मम्मी क्या की, एक एक करके फ्राई की है ताकि वो बहुत अच्छे से बने। एक साथ दो चार मत छोड़ दीजिएगा, एक एक करके बनाने से ही अच्छे से आता है। नेक्स्ट जो रेसिपी है इसका नाम है फेनी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है उड़ीसा में, स्पेशली जगन्नाथ भगवान के पास प्रसाद में चढ़ाया जाता है और बाकी जगह पे बनता है बट मुझे नाम इतना नहीं पता है। और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 कप्स अब मैं मैदा ली हूँ और पर्पज़ फ्लावर, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑयल और इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट, आप थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं ऐड करना होता है। और जो ऑयल का क्वांटिटी है आप ऐसे ही बनाते ही आपको पता चलेगा, आपका जो मैदा है वो हाथ में ऐसे मुट्ठी बन के थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। और इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम लोग इसको डो बना लेंगे। और जो ये डो है वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और ये देखिए हम लोग का डो बन गया, इसको हम लोग रख देंगे हाफ एन आवर के लिए बाहर। और फिर हम लोग उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, जितना होगा आप उससे बनाइएगा। ऑलमोस्ट 2 कप्स में मोर देन 12 तो बन ही जाएंगे, जितना बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही गोल गोल करके बना लेंगे ऐसे रोटी जैसे। और एक जगह पे आप 3 ले सकते हैं, 5, 6, जितना 6 ले सकते हैं ऐसे ही, बट मैं 3 करके बनाए हैं। और क्या किए, उसमें थोड़ा सा हम लोग का जो मैदा है उसको ऐड किए, थोड़ा सा ऑयल, और उसके ऊपर फिर और एक ऐसे स्टैक करना है और फिर उसके ऊपर और एक स्टैक करना है। और इसको अच्छे से रोल करके फिर हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही रोटी जैसे फिर से बना लेंगे बड़ा सा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें फिर से थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको हम लोग रोल कर लेंगे। और अब देखिए हम लोग ऐसे ही कट कर लेंगे, इससे जितना होगा आपका उतना ही फैनी बन जाएगा। और फिर हम लोग ऐसे थोड़ा सा रोल करके थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और इसको हम लोग अभी डिप फ्राई कर लेंगे। जब आप डीप फ्राई करेंगे ध्यान रखिएगा आपका जो फ्लेम हो स्लो हो ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। और इसको आप 2-4 ऐसे करके फ्राई कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। और फिर उसको हम लोग डिप करने के लिए चाशनी जो शुगर सिरप है उसको बनाएंगे। तो उसी सेम कप में मैं 1 कप ली हूँ और उसमें 1/2 कप पानी, और बस उसको थोड़ा सा बॉयल होने के बाद हम लोग उसमें ऐड कर देंगे जो हम लोग फ्राई करके फैनी रखे थे उसको ऐड कर देंगे। और फिर ये जो है बहुत दिन तक रहता है तो आप एक अच्छे से ठंडा मतलब कूल करके एक कंटेनर में उसको रख सकते हैं। आजकल बहुत लोग को पसंद नहीं है मीठा खाना, जैसे कि मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए हम लोग स्पेशली ये बनाएं। और इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग नमकीन वाला नट्स मैं ली हूँ ढेर सारा, जितना भी आपके पास वैरायटीज़ है उसमें हम लोग कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। मेरे पास ड्राई रेड चिली नहीं था तो आप रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। और इसको हम लोग बना लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए मेरा बन गया, ग्राइंड होके आ गया। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और फिर जैसे कि जीरा हो, धनिया पाउडर हो, लाल मिर्च पाउडर हो, और फिर अगर आपके पास सोप का पाउडर है जैसे कि वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस में ही हम इसको फिर से बनाएंगे, राउंड करेंगे। 3 ही बॉल्स ली मम्मी, और उसमें हम लोग अंदर जो है स्टफिंग है हम लोग ये वाला नट्स पाउडर देंगे। और सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस में हम लोग इसको छोटा छोटा बना के उसको हम लोग डीप फ्राई करेंगे। एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, ओनली थिंग कि ये थोड़ा सा नमकीन है, जो लोग को अच्छा लगता है नमकीन खाना तो उनको बहुत ही अच्छा लगा ये वाला रेसिपी।
नेक्स्ट रेसिपी है बहुत ही फेवरेट है और बहुत लोगों को पसंद है ये रेसिपी, और लास्ट दिवाली में मैं बनाई थी तो इस बार कैसे मिस कर सकते हैं। मम्मी है तो ये भी बनाएं। ओनली थिंग कि जो डो हम लोग बनाए थे उसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड कर लिए कलौंजी, जो कि हम लोग समोसा में भी डालते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और फिर इसको हम लोग ऐसे ही रोल कर देंगे, और सेम डो है, आप बहुत तरीके से बना सकते हो और बहुत फट से बन जाता है। और इसको हम लोग ऐसे कटर लेंगे और कट कर लेंगे और इसको डिप फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर ऐसे ऐड करके, काफ़ी दिन तक रहता है और ये चाय टाइम के लिए, स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट रेसिपी है तिल का लड्डू है। मुझे बहुत ही पसंद था खाने के लिए तिल का लड्डू, पीनट लड्डू बहुत ही अच्छा लगता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं 1 कप ली हूँ सेसमे सीड, उसको हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पीनट्स को भी हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इससे ही इसका जो छिलका है उसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा क्रस्ट वाला ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, फाइन पेस्ट, और दोनों का मिक्स कर लेंगे। इसके लिए फिर हम लोग गुड़ बनाएंगे। गुड़ बनाने के लिए मैं उसी चाशनी में वाला कढ़ाई यूज कर रही हूँ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, गुड़ लेंगे 1 कप, उसमें हम लोग ऐड करेंगे 1/4 ऑफ वाटर और ऐसे ही बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हम लोग चेक किए थे गुड़ हुआ है कि नहीं वारसा पिठा में, थोड़ा सा पानी में हम लोग ऐड करेंगे और ये अगर हार्ड होके निकल आए इट मीन्स इज डन, हो गया है। इसमें हम लोग मिक्स कर लेंगे जो हम लोग ड्राई रोस्ट करके सेसन सीड और पीनट्स रखे थे, और फिर इधर से थोड़ा सा हाथ में घी और पानी आप लेके इसको गोल गोल करके लड्डू बनाना है। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। तो और ये था आज का वीडियो, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि मम्मी के साथ बात आप नहीं की, इस बार भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि देवांश का थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, आप लोग जानते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज कंसर्न फॉर देवांश, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे ये आज का वीडियो, और डू ट्राई एनी रेसिपी यू लाइक इट, और अगर आपके यहाँ पे बनता है तो इसका नाम क्या है मुझे ज़रूर से बताएगा। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।